हेलो गाइस वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास सो दिस इज दीपक कापड़ी एंड लेट अस स्टार्ट वी वे स्टडिंग लाइफ प्रोसेसेस ऑफ क्लास टेंथ और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसका लास्ट टॉपिक दैट इज हीमोडायलिसिस डायलिसिस सो वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीडियो दैट किडनी इज द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हमने देखा कि किडनी एक्सक्रिटरी सिस्टम का वो मेन पार्ट है जिसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव किए जाते हैं तो रिमेंबर किडनी इज अंडर द कैटेगरी ऑफ वाइटल ऑर्गन किडनी को वाइटल ऑर्गन की कैटेगरी में रखा जाता है वाइटल ऑर्गन उसे कहते हैं बेटा अगर जिनमें माल फंक्शनिंग हो गई मीन्स विच आर नो इफ दे देजेंट वर्क प्रॉपरली तो इंडिविजुअल का सर्वाइव करना मुश्किल है दीज आर कॉल्ड एज वाइटल ऑर्गन तो किडनी इज वन सच वाइटल ऑर्गन सो नाउ देर इज अ केस कॉल्ड एज किडनी फेलर तो किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन है बेटा जिसमें हमारी किडनी ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पाती है सिंपली कहूँ इन विच द किडनी इज नॉट एबल टू फिल्टर द ब्लड अब इसके कारण क्या है पहले तो लोगों का जो अनहेल्दी लाइफ है एक्सेसिव एल्कोहल ड्रिंकिंग ये नॉर्मल से केसेस हैं बहुत कम वाटर कंजप्शन करना जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर हेरिडिट्री होता है किसी की फैमिली में कि मोस्ट ऑफ द जनरेशन सफर फ्रॉम दिस किडनी फेलर प्रॉब्लम तीसरा है एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स हार्मफुल केमिकल्स से एक्सपोज होने से भी किडनी की फंक्शनिंग रिड्यूस हो सकती है आगे अगला एक्सेसिफ डिहाइड्रेशन मीन्स यू आर नॉट टेकिंग इन अ फ्लूड इन योर बॉडी इसके अलावा जब ब्लड का फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाना नॉन नेचुर ब्लड का फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाना इसकी वजह से भी किडनी फेलर हो सकते हैं तो अभी हमने देखा कि किडनी एक वाइटल ऑर्गन है तो अगर किडनी डैमेज हो जाती है फेल हो जाती है तो इस इन इस केस में इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता तो किडनी जब फेलियर के केसेस होते हैं तो इसमें हम दो सॉल्यूशन देख सकते हैं तो इन केस ऑफ किडनी फेलियर देयर आर टू ऑप्शन तो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस एंड द सेकेंड ऑप्शन इज कॉल्ड एज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये दोनों प्रोसेसिस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तो एक जनरल पर्स्पेक्ट में है यहां पे हम सिर्फ किडनी से रिलेटेड पढ़ेंगे तो ये दोनों प्रोसेसेस तब यूज किए जाते हैं जब किडनी फेलर हो जाती है या फेलर होने के चांसेस हाई हो गए हैं तो आते हैं सबसे पहले प्रोसेस में जिसे कहते हैं हीमोडायलिसिस हीमोडायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है तो इन दिस ब्लड फ्रॉम द पेशेंट बॉडी इज टेकन एंड पास थ्रू द डायलिसिस मशीन तो एक मशीन होती है जिसको डायलिसिस मशीन कहा जाता है उस मशीन में एक डायलिसिस सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में कुछ सॉल्ट होते हैं बेटा जो सेम किडनी की तरह काम करेंगे डायलिसिस मशीन एक्ट लाइक अ किडनी तो इस वजह से इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा गया है तो बेसिकली करते क्या है देखो पेशेंट की बॉडी में से ब्लड लिया और उसको पास पास कराया पास कराया डायलिसिस डायलिसिस मशीन मशीन से अब में डायलिसिस सॉल्यूशन होता है तो यही जिस सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा था कि जिसमें सॉल्ट्स पाए जाते हैं तो इस डायलिसिस सॉल्यूशन का काम यह है कि ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेगा बेसिकली द डायलिसिस मशीन इज एक्टिंग एज अ फिल्टर और इट कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी रिमेंबर आर्टिफिशियल किडनी का मतलब ये नहीं है कि बॉडी में दूसरी किडनी डाल दी गई है आर्टिफिशियल किडनी का मतलब यह है कि किडनी के जैसे सिमिलर सिस्टम से ब्लड को पास किया जा रहा है सो दिस डायग्राम बेसिकली इज अ फ्लो चार्ट ऑफ द हिमोडायलिसिस सो लेट एस अंडरस्टैंड दिस सही फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की बॉडी में से आर्ट्री जो पेशेंट की बॉडी की कोई मेजर आर्ट्री है जैसे कैरोटेड आर्ट्री होती है ऐसे ही बहुत सारी आर्टरीज हैं तो okay, क्या तो किसी एक मेजर आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा ट्यूब के थ्रू तो वो ब्लड कैसा होगा नाइट्रोजनस ब्लड क्योंकि उसी को तो फिल्टर करना है तो जब ब्लड इस ट्यूब से पास करता है तो इसका टेम्परेचर जीरो डिग्री के आसपास मेंटेन किया जाता है और दूसरा इस ट्यूब में केमिकल ऐड किया जाता है जिसे कहते हैं बेटा हिपेरिन तो एज आई हैव रिटर्न बिलो द हिपेरिन एक्ट एज अ एंटीकॉगुलेंट तो हिपेरिन किसका काम करता है एंटीकॉगुलेंट बेटा ह्यूमन की बॉडी में से जब भी ब्लड बाहर निकलेगा तो वो बहुत जल्दी कॉग्युलेट हो जाता है या जम जाता है तो ऐसे ही जब आपने देखा होगा कट होता है ब्लड कहीं पे गिरा तो ब्लड थोड़ी देर में बहुत गाढ़ा हो जाता है सिमिलरली जब बॉडी से बाहर ब्लड निकाला जाता है तो जब ट्यूब्स में वो पास करेगा तो कॉग्युलेट हो सकता है तो उस कॉग्युलेशन से बचाने के लिए ब्लड को जमने से बचाने के लिए उसमें केमिकल ऐड किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज हिपैरिन नाउ थ्रू द ट्यूब दिस ब्लड इज पास थ्रू द डायलिसिस मशीन अब इस ब्लड ट्यूब को किससे कनेक्ट किया है बेटा डायलिसिस मशीन से कनेक्ट किया है डायलिसिस मशीन कुछ इस तरीके से बनी होती है कि इसके पास इसमें सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं बेटा तो ऐसे समझो कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसे ट्यूब्स का नेटवर्क है जिन ट्यूब्स में से ब्लड फ्लो करेगा तो दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ डायलिसिस मशीन कि इसमें सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं इस ट्यूब्स का प्रॉपर्टी ये है कि सेमी परमिएबल नेचर की होती हैं बेटा इस मशीन में एक तरफ से डायलिसिस सॉल्यूशन ऐड किया जाता है तो ये एरो ऊपर की तरफ को इसीलिए दिखाया है कि यहाँ से डायलिसिस सॉल्यूशन कॉन्टिन्यूसली इस मशीन में ऐड किया जा रहा है तो ये डायलिसिस सॉल्यूशन जब ब्लड के साथ मिक्स होगा तो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है और ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट एक दूसरे कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है बेसिकली इसको येलो कलर से दिखाने का लॉजिक ये है कि यूरिन है ये तो बेसिक नाइट्रोजेनस वेस्ट इज नथिंग बट द यूरिन तो ब्लड में से जो वेस्टेज है उनको कलेक्ट कर लिया गया अब ये जो जिस ट्यूब की मैं बात कर रहा था तो अब ये जो ट्यूब होती हैं ये ट्यूब फाइनली यहाँ पे कुछ ऐसे जुड़ी होंगी तो एक बार डायलिसिस मशीन से जब ब्लड बाहर निकलेगा तो वो ब्लड कैसा होगा बेटा फिल्टर्ड ब्लड होगा फिल्टर्ड ब्लड होने का मतलब ये है कि नाउ इट कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट अब इस फिल्टर्ड ब्लड को अगेन ट्यूब्स के थ्रू पेशेंट की एक मेजर वेन में इंसर्ट किया जाता है तो वेन के थ्रू ब्लड को फिर से पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है।, so, Remember, as as बहुत बार पूछा जाता है अब ये भी क्लियर कर लेना की वाई इज आर्टिफिशियल किडनी ना दूसरा तरीका होता है बेटा इसे कहते हैं ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अब ऑर्गन डोनेशन का मतलब जैसे इसमें टर्म आता है बेटा डोनेशन तो डोनेशन का मतलब होता है देना तो सिंपल सी बात है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गन को डोनेट किया जाता है नाउ वट हैपन से फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन किडनी इज ट्रांसफर टू द रिसीवर जब किडनी फेलर का केस होगा तो इस केस में क्या करते हैं कि हेल्दी पर्सन से किडनी ली जाती है और रिसीवर में ट्रांसफर की जाती है रिसीवर यहाँ पे वो इंडिविजुअल है जिसकी किडनी फेल हो चुकी है तो एज आईव रिटर्न द नेक्स्ट स्टेप किडनी फ्रॉम अ अटेबल डोनर इज टेकन एंड इट इज देन ट्रांसप्लांटेड टू द रिसीवर तो किसी हेल्दी इंडिविजुअल से किसी डोनर से किडनी ली जाएगी और इसको किस में ट्रांसप्लांट कर देंगे रिसीवर में बट ये ऐसे ही रैंडमली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता बेटा बिफोर ट्रांसफरिंग द कुछ कंडीशंस होती हैं कि ब्लड मैचिंग होनी चाहिए कुछ टिश्यू मैचिंग टेस्ट होते हैं ये सब मैच करने चाहिए अनलेस एंडल दीज आर नॉट मैचिंग आप ऐसे ही ऑर्गन का डोनेशन या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ऑर्गन डोनेशन वैसे भी एक बहुत ही नोबल वो है बेटा काम है इट इज़ अ वेरी नोबल वर्क ऑर्गन डोनेशन में बहुत सारे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऑर्गन uh, डोनेशन की शपथ लेते हैं दे साइन अ फॉर्म एंड अपॉन दियर डेथ इमिडिएटली उनको हॉस्पिटल uh, ले जाया जाता है डेथ के बाद जिसमें क्योंकि डेथ के कुछ घंटे के अंदर आदमी के ऑर्गन्स निकाल के किसी दूसरे रिसीवर में डाले जा सकते हैं तो दिस इज़ हाउ वी कैन हेल्प ऑल्सो इवन आफ्टर द डेथ आर ऑर्गन कैन हेल्प सम अदर पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग इट या हु इज़ नॉट हैविंग अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑर्गन सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गन डोनेशन प्लस हीमोडाइलिसिस तो इस वीडियो में इतना ही था इनकेस अगर कोई डाउट होगा तो जस्ट लेट मी नो थैंक यू